नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 30 सितंबर 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय 1 अक्टूबर से नहीं बदलेगा। अब 15 अक्टूबर तक राज्य के सभी एक पारी स्कूल सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक के संचालित होंगे और वहीं 16 अक्टूबर से स्कूलों का समय सर्दी के हिसाब से सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक बदलने का निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं और अब से पहले तक राज्य के सभी स्कूलों का समय 1 अक्टूबर से बदला जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ऐसे में कल से राज्य के सभी स्कूल एक पारी में अपने पूर्व निर्धारित समय सारणी के हिसाब से ही संचालित होंगे। शीतकालीन समय परिवर्तन अब 16 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होगा। भजनलाल सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ीलाल मीणा ने आज एक बार फिर कहा कि मैं अपने इस्तीफे पर अड़िग हूं, मैंने नैतिकता के माध्यम से इस्तीफा दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं आपके माध्यम से एक बार फिर मुख्यमंत्री शर्मा से आग्रह करना चाहता हूं कि वे मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। किरोड़ीलाल आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की फाइलें निकालने के बयान पर किरोड़ीलाल मीणा ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने कोई भी फाइल नहीं निकाली है, लेकिन आपदा की फाइलें तो निकालनी पड़ेगी। सड़कें टूटी हुई है, पशु मारे गए हैं, तो ऐसे में तुरंत रिलीफ देने की जरूरत है। मैं इस्तीफा देने के बाद भी बाढ़ ग्रसित इलाकों में दौरा करके आया था और ऐसे में मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो मैं कार्य करूं। बाकी मैंने मन से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान कांग्रेस के निर्देश पर 1 अक्टूबर को जिला व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा आम जनता की समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए कल मंगलवार को कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम जन समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन प्रदान किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में भाजपा के लगभग 10 माह के कुशासन में आमजन के हित में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा आमजन की समस्याओं का निराकरण करने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल रही है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बूंदी जिले की रायथल तहसील के पटवार इलाके में पटवारी हेमंत पारीवाल को 4,000 रूपये की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक ने बताया कि एसीबी की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत की थी कि उसकी भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज कराने की एवज में पटवारी ये रिश्वत मांग रहा है। महड़ा ने बताया कि शिकायत के सत्यापन के बाद ब्यूरो की टीम ने परिवादी से 4,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने शिकायत के सत्यापन के दौरान 1,000 रिश्वत के रूप में वसूल कर लिए थे और एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशक में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जयपुर के आमेर महल में शारदीय नवरात्रि मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। लोगों को परेशानी न हो इसके लिए आमेर महल प्रशासन ने अभी से प्लानिंग कर ली है। शारदीय नवरात्र में बढ़ती भीड़ को देखते हुए हाथी की सवारी 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। राजकीय संग्रहालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं और हाथी की सवारी बंद होने के साथ ही रात्रिकालीन पर्यटन भी बंद कर दिया गया है। आमेर महल के अधीक्षक ने बताया कि इस दौरान महल सुबह 8 से 5:30 तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। आमेर महल में पर्यटकों के प्रवेश के लिए टिकट बुकिंग व्यवस्था सिंह पोल गेट पर की गई है और यह व्यवस्था नवरात्रि को ध्यान में रखकर की गई है। एथेंस के स्पार्टा थलोन में दुनिया की सबसे मुश्किल माने जाने वाली मैराथन में राजस्थान के धावक अशोक सिंह गणेश्वर ने चौथा स्थान हासिल किया है। वे 30 घंटे में 246 घंटे दौड़े हैं, जहां 2,500 साल पहले वर्ल्ड फेमस युद्ध बैटल ऑफ मैराथन हुआ था। स्पार्टा थलोन दुनिया की मुश्किल अल्ट्रा मैराथन में से एक है। इसमें धावकों को पहाड़ी इलाकों और रात की ठंड जैसी चुनौतियों से गुजरते हुए 246 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। एथेंस में 28 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। इस मैराथन में दुनिया के 395 देशों के धावकों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व अशोक सिंह गणेश्वर ने किया था और वे राजस्थान के नीम का थाना जिला के रहने वाले हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर कल मंगलवार को बड़े सियासी प्रोग्राम से परहेज किया गया है। डोटासरा जन्मदिन पर राजस्थान से बाहर हरियाणा में प्रचार करेंगे। डोटासरा जन्मदिन पर सियासी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और इस बार पायलट ने भी जन्मदिन पर राजस्थान में राजनीतिक ताकत दिखाने वाला प्रोग्राम नहीं किया था। डोटासरा ने कहा कि मेरा जन्मदिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और वहां पार्टी का प्रचार करूंगा। मैं 1 अक्टूबर को प्रचार करने के लिए हरियाणा में रहूंगा और प्रदेश की सिबा जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को आम जनता की समस्याओं और मांगों पर सरकार की नींद से जगाने के लिए मंगलवार को कलेक्टर्स के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। भारतीय पुलिस सेवा परिवीक्षधानों के एक समूह ने सोमवार को यहां राष्ट्रपति भवन में श्रीमती मुर्मू से मुलाकात की। जयपुर में एक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ने 2 लाख रुपए ऑनलाइन ठग लिए गए और बदमाशों ने असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉल करके धमकाया, मुंबई एनसीबी ने आपका पर्सनल जब्त किया है और आपका कोई गलत काम में शामिल हो। डरा धमका कर शादी ने ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करवाकर ठग लिए। शिवदासपुरा थाने में पीड़ित असिस्टेंट प्रोफेसर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
घनश्याम ने बताया कि मालवीय नगर निवासी 34 साल के युवक ने रिपोर्ट में बताया कि वह एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है। शनिवार को उनके मोबाइल पर एक युवक का कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि आपका पार्सल आया है जो कि मुंबई एनसीबी की ओर से जब्त किया गया है। आपके आधार सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि आपके सभी डॉक्यूमेंट पे अकाउंट की जांच की जाएगी और आप कोई अनैतिक गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। जोधपुर शहर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण आम जनता को आवागमन में हो रही असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जोधपुर नगर निगम और पुलिस द्वारा जालोरी गेट से पांचवी रोड तक अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाना और शहर को स्वच्छ व व्यवस्थित रखना है। और इन्हीं उद्देश्यों से चलाई गई इस मुहिम के तहत निगम दस्ते ने मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाकर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया है। कार्रवाई के दौरान दस्ते ने दुकानों और घरों के आगे लगे ठेले व अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की भी कार्रवाई। राजस्थान में अजमेर संभाग के केकड़ी के जिले का दर्जा समाप्त करने की अटकलों के तहत चलाए जा रहे केकड़ी बचाओ अभियान के अंतर्गत आज सरकार को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। केकड़ी में जिलावार एसोसिएशन और केकड़ी बचाओ समिति की ओर से घंटा घर पर राज्य की भजनलाल नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के लिए समृद्ध यज्ञ आयोजित किया गया है, जिसमें वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर गुहार निकाला। जयपुर में कालवाड़ शक्तिपीठ में वेद माता गायत्री और प्रज्ञेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में होने वाले 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के एक दिन पहले सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 11,000 महिलाओं ने सिर पर कलश उठाकर हिस्सा लिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने पूजन के बाद कलश यात्रा को रवाना किया। बाणी नदी स्थित बालाजी मंदिर से गाजे बाजे और एक दर्जन स्वचालित झांकियों के साथ निकाली गई कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में अनेक ज्ञानवर्धक झांकियां भी साथ रही और निःशुल्क महायज्ञ में सर्व समाज के लोग शामिल होकर अपनी आहुतियां अर्पित करेंगे। राजस्थान के लोगों को सितंबर महीने के बाद अब अक्टूबर माह में भी बंपर छुट्टियों का तोहफा मिलने वाला है। सरकारी कैलेंडर की माने तो अक्टूबर महीने में कुल 12 दिनों की छुट्टियां मिलेगी और इसमें शनिवार और रविवार भी शामिल हैं। अक्टूबर का पहला सार्वजनिक अवकाश 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर, इसके बाद 3 अक्टूबर को नवरात्र स्थापना और अगरसेन जयंती का अवकाश रहेगा। इस दिन बैंक, सरकारी कार्यालय, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और इसके बाद राजस्थान में 5 और 6 अक्टूबर को भी शनिवार और रविवार होने के चलते सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में अवकाश रहेगा। 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी और 12 अक्टूबर को विजयदशमी के चलते सभी सरकारी स्कूल, दफ्तर, कॉलेज बंद रहेंगे और वहीं 13 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी रहेगी। ऐसे में 3 दिनों तक लगातार अवकाश रहेगा। इस दौरान आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान बना सकते हैं। करौली में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कई माह से भुगतान नहीं मिलने से नाराज श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री विकास व स्वायत्त शासन मंत्री ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान दिलाने की मांग की। इस दौरान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम के लिए मस्ट रोल जारी करने में भी देरी के आरोप लगाए गए हैं। करौली छात्र नेता ने बताया कि करौली नगर परिषद में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं और अधिकतर श्रमिकों को करीब 3 माह से बाद भी वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते गरीब परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू पुलिस की ओर से सोमवार को 6 मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता की गई। एसपी शरद चौधरी ने सभी के परिवारों को 1,38,000 रुपए का चेक भेंट किया। एसीपी ने बताया कि झुंझुनू पुलिस के कर्मचारी हेड कांस्टेबल विनोद कुमार और कांस्टेबल जगराम महेंद्र सिंह और दिलीप कुमार का पूर्व में अचानक देहांत हो गया था। जिला पुलिस कल्याण समिति कोष से प्रत्येक के परिवार को 38,000 के चेक भेंट करके आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा मंडावा थाना स्टाफ व कांस्टेबल खींची के परिवार को 1,39,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। विनोद खींची की जुलाई 2024 दिन में एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें झुंझुनू पुलिस मृतक जवानों के परिवार के साथ है। पुलिस कल्याण कोष उनके लिए परिवारों के लिए समर्पित है। अलवर के नए एसपी संजीव नैन ने सोमवार को कुर्सी संभाल ली और नैन ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से कहा कि अलवर एसपी आनंद शर्मा व आईजी भरतपुर ने अच्छा कार्य किया है, उनके काम को ही आगे बढ़ाएंगे। और अब पुलिस भी मुख्यालय से नई नई तकनीक की ट्रेनिंग लेकर तैयार हो रही है। एसपी संजीव नैन ने बताया कि राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता ही हमारी है। अलग अलग क्षेत्र में प्राथमिकता हो सकती है, जैसे मारवाड़, मेवाड़ व अलवर की प्राथमिकताएं अलग है। अब अलवर में उपचुनाव होने हैं और इस कारण प्राथमिकताएं भी अलग है, लेकिन सरकार व पुलिस मुख्यालय के अनुसार ही कार्य करेंगे। भरतपुर जिले के उज्जैन की नगर पालिका के सामने सड़कें दरिया बनी हुई हैं। नाला बंद होने के कारण गंदा पानी सड़क पर रुका हुआ है और पास ही में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। स्कूल में बच्चों को गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है, जिससे उनके चोटें भी आ रही हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा।
उज्जैन के विकास अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने बताया कि गंदे पानी की निकासी के लिए नगरपालिका के चेयरमैन को सूचित किया गया है और आज सुबह भी लेटर लिख दिया गया है और लोगों को पंचायत समिति में आने जाने में भी दिक्कत आ रही है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत आज तीर्थयात्रियों के प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी निकाली गई। चयनित यात्रियों के नाम देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। आज सुबह कलेक्ट्री में उदयपुर के एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह ने अपना ऑनलाइन लॉटरी निकालकर उदयपुर जिले के 1307 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया। इसमें 218 नागरिक हवाई यात्रा से नेपाल की राजधानी काठमांडू और 1089 ट्रेन के जरिए यात्रा करेंगे। सहायक देवस्थान आयुक्त ने बताया कि रेल यात्रियों के लिए चयनित नागरिकों को उनके द्वारा आवेदन में तीन तीर्थ स्थान में से कोई एक तीर्थ स्थान पर यात्रा कराई जाएगी। कोटा ग्रामीण पुलिस ने एरिया डेमिनेशन के तहत अलग अलग मामलों में 142 अभ्यर्थियों को पकड़ा है, जिसमें से 13 आर्म्स एक्ट के मामलों में 13 चाकू छुरे बरामद किए हैं। ग्रामीण एएसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कोटा रेंज आईजी के निर्देशन पर 29 सितंबर को एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की गई और ग्रामीण के 17 थानों में से 70 से ज्यादा टीमें गठित की गई, जिसमें से 250 पुलिसकर्मियों ने 284 संदिग्ध जगहों पर भी दबिश दी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अमिताभ ने सोमवार को श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। वे यहां अमृत भारत में स्टेशन योजना में स्टेशन का जायजा लेने के लिए आए। उन्होंने श्रीगंगानगर स्टेशन के बाहर की व्यवस्थाएं देखी और वहीं परिसर में हो रहे नए निर्माण का भी जायजा लिया। उन्होंने यहां बने वेटिंग रूम आदि देखे, जिसमें से उन्होंने करीब 8 बजे जीएम स्पेशल ट्रेन के जरिए श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे स्थानीय अधिकारियों का उन्होंने स्वागत किया, जिस दौरान उन्होंने बिल्डिंग का पुराना हिस्सा, नए निर्माण, टिकट बुकिंग काउंटर, रेस्ट रूम और ऑफिस ब्लॉक आदि के भी प्रबंध देखे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।